अगर कोई इसको मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स में थोड़ा आपके लिए, कईयों के लिए नया चीज है, मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ माइनस वन एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू, सही भाई, इजिकल टू में यहां दे रखा थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए थ्री बी स्क्वायर प्लस थ्री बी, और यहां दे रखा थ्री सी स्क्वायर प्लस थ्री सी, बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप एक ही बात चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बस आपके साथ में थोड़ा क्या चोट है कि आपने इससे पहले कभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं देखा, इसमें रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है, रो इंटू कॉलम, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया तो मेरा काम निकल जाएगा, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ माइनस वन, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे प्लस फोर ए इंटू एफ ऑफ वन प्लस वन इंटू एफ ऑफ टू, सोच लिया आपने, नहीं है ये वाला कहानी पकड़ में आ गई, अच्छा और ये जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होगा उस दिन इसका फर्स्ट सेटिंग बैठेगा, तो इज इक्वल टू में कितना हो गया थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए, अभी भी नहीं आया सही ना, अब मेरे पास में एक काम खत्म और दूसरा काम चालू हो गया, क्या कि अगर मैं यही चीज की मल्टीप्लाई इधर भी करूंगा तो वापस इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे कंपेयर करूंगा, ऑलमोस्ट तीन बार एक ही जैसी चीज को उतार बैठूंगा, क्या ये बात समझ में आई, अच्छा अगर मैं यहां के आगे सोचता हूं तो क्वेश्चन में अपने को और हिंट क्या दिया, कोई और हिंट दिया, एफ एक्स अपने आप में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखा आपने या नहीं देखा, अरे देखो ना एफ एक्स अपने आप में क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और एबीसी के लिए कुछ बोल रखा है कि तीनों अलग अलग कोई नंबर है, यही ना, अच्छा एफ एक्स का कोई एक मैक्सिमा पॉइंट है लेकिन नहीं, जिसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, अपन दिमाग लगाते रहते हैं, मेरे को भी पता नहीं चल रहा, आपसे सीखूंगा इस बात को कि आखिरकार डील कैसे करना है, आइए बात करते हैं, एक शब्द सुना आपने कंपैरिजन, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर कंपेयर करने पर मुझे पता चला फोर ऑफ एफ ओ माइनस वन बराबर थ्री, अच्छा जिस दिन मैं ए का ए से कंपैरिजन करूंगा फोर एफ वन बराबर थ्री, क्या बात सही है, अच्छा लास्ट पॉइंट अगर मैं बोलूं एफ टू जीरो, क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, याद आई बात अभी, अच्छा इसका मतलब एफ ओ माइनस वन बराबर, क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे कई लोगों को दिख गया, एफ टू की वैल्यू कितनी, साथ में अगले ने ही बोला है कि फंक्शन अपने आप में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या ये बात सही है, हाँ यार अगर कितने लोगों को लगता है कि सर हमारे पास में एफ ऑफ वन पड़ा है एफ ऑफ माइनस वन पड़ा है एफ ऑफ जीरो पड़ा टू, क्या मैं एबीसी निकाल सकता हूं, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम सोच सकता हूं, आगे तो आप निकाल लोगे, नहीं यार है कि नहीं, इट इज वन ऑफ द वेरी सिंपल बट वेरी गुड क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसको देखते आदमी तबियत खराब हो जाती है, सही है ना भाई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको देख करके आप डील करो, एनीवे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है भाई, ये मैच द कॉलम में किसी से कोई दर्द हुआ हो तो बोलो, आपको ये जानकर के अत्यंत हर्ष होगा कि मैच द कॉलम में तीनों क्वेश्चन मेरी कॉपी में अलग अलग दुनियाओं में विद्यमान है, जैसे ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये डिफरेंशिएशन में मौजूद है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में कराया था मैंने, अच्छा एरिया अंडर कर्व के दौरान हमने काफी तक एक आधी क्वेश्चन को इसके जैसा करा है, शायद मेरा नाम कहला जिसमें मैंने आपको सिखाया था टर्न करना, राइट है भाई, अच्छा और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये शायद हमने अगर गलत नहीं हो तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के दौरान सीखा है, और मैंने आपको एक बात बोली थी किसी को अगर याद हो तो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, किसी को याद है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं, याद है आपको हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन मैंने आपकी कॉपी में करवाया, एनीवे आता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत धांसू क्वेश्चन, ये किसी बालक से हुआ सोचने वाला है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, वन माइनस साइन एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है कॉस एक्स, सही भाई, हाँ अगला छठा नंबर, सही भाई, किसी का दिमाग चला इसमें, टेन बना दो इसको, कैसे टेन बना दो जरा, वन प्लस साइन एक्स को इसको लिख लो कितना, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, कर सकते हैं, अच्छा इसका एलसीएम में नीचे आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसका हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, तो एलसीएम एलसीएम कट जाएगा, कितना रह जाएगा वन प्लस, सोच लेना आप धीरे धीरे, वन प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या ये बात समझ में आई, ये कौन है आपका
वाई। अच्छा दूसरी तरफ वाले वाई के बारे में बात करूं, आओ इसको क्या लिख सकता हूं, वन माइनस टेन एक्स बाई टू का, इसी प्रकार नीचे कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। मैं स्ट्राइक नहीं कर पा रहा कि अगर मुझे करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया भाई, इंटीग्रेशन निकालना है जीरो से पाई बाई फोर दोनों कर्व्स के बीच का, दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकालने के लिए याद है अपर माइनस लोअर, मुझे पता नहीं कौन अपर है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो तुक्का मारूंगा, जीरो टू पाई बाई फोर ये माइनस ये, माने अंडर रूट दिस माइनस अंडर रूट दिस, क्या ये कर सकता हूं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के एलसीएम में सेम चीज पा रहे हैं? तो मैं यहां पर लिख दू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इधर भी कितना वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कर दो, ऊपर की तरफ कितना वन प्लस टेन एक्स बाई, ओहो ये तो कह रहे हैं सर मेरे को तो बाहर ही निकाल दो ना, वन प्लस टेन एक्स बाई टू कर दू, और इसे कितना कर दू वन माइनस टेन एक्स बाई टू कर दो, नहीं आया। अच्छा स्ट्राइक नहीं कर रहा कि क्या दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर की चीजें जुड़ेंगी घट जाएंगी, घट जाएंगी, घटते क्या हो जाएगा वन से वन कट जाएगा, कितना रह जाएगा, फाइनली हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है जीरो टू पाई बाई फोर टू टेन एक्स बाई टू अपॉन नीचे कितना अंडर रूट में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। आगे मुझे याद नहीं आ रहा करना क्या, किसको टी मानू, वन माइनस पूरे को टी मान लो, ये लोग कह रहे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को टी मान लो, मान लो शायद कुछ मजा नहीं आया, अटक गई ना घड़ी, और सोचते हैं और कई बात खाली टेनिक्स को टी मानू। अच्छा चलो मैं आपकी एक और बात मान लें, टेनिक्स बाई टू को टी, बहुत करीब जा चुका आप, टेनिक्स बाई टू को टी मान लो ना, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, टेनिक्स बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का वन बाई टू डॉट डी एक्स बराबर डी टी, तो टू डी टी, सेक स्क्वायर को क्या लिखू वन प्लस टेन स्क्वायर, मजा नहीं आया यार, और कुछ नया आ रहा है, एक मिनट रुको ना, देखो धीरे धीरे अभी आपको दिमाग में आने लग गया है कि कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, किसका पूरे को टी, अब आप देखो इंटीग्रेशन में मात खा रहे हो, किसी को टी मानना है आप सोच नहीं पा रहे हो, वन माइनस, अब इसका ऑप्शन देख के बोल दो मेरे को वो भी चलेगा, ये तो कुछ अजीब से ऑप्शन आ रहे हैं भाई, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, अंडर रूट के अंदर वन माइनस टी स्क्वायर, सब में एक चीज कॉमन है, देखा आपने, अभी भी आप गलती कर रहे हो, टेन एक्स बाई टू को ही टी मानो, देखो गलती होने दो वो ठीक हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू को टी मानते ही हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डॉट डी एक्स बराबर टू डी टी, आने दो, इसका मतलब डी एक्स बराबर टू डी टी डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, माने वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बात सही है, नहीं है। अच्छा थोड़ा थोड़ा और चलता रहता हूं, आपको किसी को एतराज नहीं हो तो ये ऊपर की तरफ बन गया है, जीरो रखने पर जीरो और एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पाई बाई फोर रखता हूं तो पाई बाई टू, रूट टू माइनस वन बता रहा है एक जना, चलेगा, टू की जगह टू, टेन एक्स बाई टू की जगह टी, सही ना भाई, डीएक्स की जगह पूरा समान टू डी टी अपॉन नीचे कितना वन प्लस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, शायद आप आंसर पे खड़े हैं, नहीं है। इस पूरी कहानी का सबसे आखिरी पॉइंट तक पीछा करना बहुत जरूरी था, इसमें अगर मैं आपको यहां भी छोड़ दूं ना, मतलब सॉरी यहां भी छोड़ दूं तो अभी आप गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, अगले क्वेश्चन आओ, टाइम नहीं, सही है थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन धक्का लगता रहेगा ना तो अपनी गाड़ी चलती रहेगी। आपका छठा क्वेश्चन था, इसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन, किसी बालक ने किया, किसी को करना है या कर लेंगे, मैं एक मिनट फिर भी मैं हिंट ही दे दूं, सुन लो मेरी बात फटाफट से, क्योंकि आपसे नहीं होने वाला, वाई क्यू माइनस थ्री वाई प्लस एक्स बराबर जीरो, सही भाई, ये कॉम्प्रिहेंशन एक बार आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना फटाफट से, टाइम नहीं है आप जल्दी पढ़ लो।
अच्छा चलो छोड़ो, आप अगर कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इतना पढ़ दो मेरे लिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा इधर इधर देख, इधर इधर क्या आपको पता है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करो 3y² इंटू डिवाइड एक्स होगा, मुझे नहीं लगता डिवाइड एक्स। अच्छा लेकिन उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इंटो डीवा बाई डी एक्स माइनस का 3 डीवा बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक बार और डिफरेंशिएट करूं पक्का, एक मिनट पहले आपको ये बता दूं फंक्शन में अगला बोल चुका है 10√2 डालने पर कुछ आता है, कितना आता है ओ माइनस का इतना डालने पर 2√2 आता है। एक मिनट इससे पहले कि आप भाग जाओ मैं आपको याद दिलाता हूं यही एफएक्स है, सही है, मैं इसमें एक्स की जगह पर माइनस का 10√2 डाल रहा हूं, सही है, और वाई की जगह पर 2√2 रख दूंगा पक्का, इससे पहले कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ याद दिलाना चाहूंगा ये आपका एफएक्स है, आपने एक्स की जगह क्या डाला है, एक्स की जगह पर माइनस 10√2 पक्का ना भाई, मैं डाल दूं एक्स की जगह पर माइनस 10√2 डालने पर कितना आ रहा है 2√2, तो 3 इंटू 2√2 इंटू डीवा बाई डीएक्स, मुझे नहीं पता इसका होल स्क्वायर इंटू डीवा बाई डीएक्स माइनस का 3 इंटू में, आपको नहीं पता मैं क्या करवा रहा हूं, आपको धीरे धीरे स्ट्राइक कर जाएगा, स्ट्राइक कर गया 8 इंटू 3 24, ये डीवा बाई डीएक्स 8 24 डीवा बाई डीएक्स माइनस 3 डीवा बाई डीएक्स 21 डीवा बाई डीएक्स 21 डीवा बाई डीएक्स बराबर माइनस 1, तो डीवा बाई डीएक्स की वैल्यू माइनस 1/21 अपनी साइड रख लेना, राइट है, इसको हटा रहा हूं, निकाला और हटा दिया, अब दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, राइट है, इससे वापस जिंदा कर रहा हूं वाई स्क्वायर, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते 3 वाई स्क्वायर साइलेंट डीवा बाई डीएक्स का डी 2 वाई बाई डीएक्स स्क्वायर, सही है ना भाई, कौन सा 6 तो आप आएगा प्लस अगली बार क्या डीवा बाई डीएक्स इंटो का होल स्क्वायर इंटू 2y, सोच लिया क्या, आराम सोच लेना बैठ करके, सही है, माइनस में 3 इंटो डी 2y बाई डीएक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कितने लोगों को लगता है कि डी 2y बाई डीएक्स स्क्वायर ही हमारा एफ डबल डैश एक्स है, अच्छा ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है और आपको एक्स की जगह पर माइनस 10√2 डालना है, डाल दोगे तो आपके पास में आ जाएगा, जो भी वैल्यू आनी होगी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, अच्छा तब तक अगर मैं आपसे एक और क्लास क्वेश्चन पूछूं तो आप जवाब दे पाओगे, लेकिन नहीं डीवा बाई डीएक्स की वैल्यू कितनी आई, एक सही नहीं कर रहा है, इतनी देर भाग जाओगे तो कैसे निकालूंगा, डीवा बाई डीएक्स कॉमन ब्रैकेट में कितना 3 वाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर माइनस 1, इसका मतलब डीवा बाई डीएक्स बराबर कितना 1/3 माइनस 3 वाई स्क्वायर, सही क्या नहीं है। अब आप में से कई लोग ये क्यों मंगा लिया, इच्छा हो रही थी मेरी है कि नहीं, अब आगे सुना अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं इसका पार्ट बी, एक मिनट अगला पार्ट क्वेश्चन तो पढ़ दो, सेकंड पार्ट कॉम्प्रिहेंशन तो पढ़ने की मतलब में से किसी की है नहीं, आप छूट जाती है, अगली लाइन पढ़ दो बस फटाफट, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, माने ये वाला कर्व एक्स एक्सिस कहां से कहां के बीच, ए से बी के बीच में, सही है भाई, किसका इंटीग्रेशन करना है एफएक्स का, लास्ट पॉइंट चल रहा है बस, मैं इसके बाद में मेरे को नहीं लगता आपकी बुद्धि बचेगी मेरी हिम्मत बचेगी दोनों मर जाएंगे, ठीक है, मुझे इंटीग्रेट करना है ए से बी के बीच में एफएक्स का, यही करना है ना, yes, नहीं हो रहा था, जब कुछ नहीं हो रहा था एक आखिरी ट्रायल होता है एफएक्स की जगह एफएक्स इंटू 1 करके देखना, अगर मैं करता हूं तो आपको पता होगा एफ एक्स साइलेंट 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एफ एक्स का एफ डैश एक्स इंटू एक्स डॉट डी एक्स, ए से बी या अभी भी बाकी है, ए से बी लिमिट लगने को तैयार है, कई बच्चों को यहां स्ट्राइक कर गया बी एफ बी माइनस ए एफ ए हो गया, इसको कहा तू रुक इधर आ, सही है, एफ डैश एक्स के टाइम पे मुझे जरूरत पड़ी इसकी, इसकी जगह पर एफ डैश एक्स की वैल्यू बोलने वाला बच्चा शेर है, बताओ कौन है, क्या लिखूं, 3 माइनस 3 इंटू क्या एफ एक्स का, देखो शायद आंसर आ गया, सही है ना, इस पूरी कहानी के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था, आईबीपी लग रहा है, सही ना भाई, ये इसका मैंने इसलिए मैंने कहा ये कॉम्प्रिहेंशन कर लो
आईआईटी में कई बच्चों के चांसेस प्रबल होते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में देख लिया एक बार कि अच्छा हाँ आईआईटी वाला ऐसे सोच सकता है। ठीक है, ये कोई पेपर नहीं है कि पेपर का डिस्कशन नहीं हुआ तो कहीं ना नुकुर हो जाएगा, इसको कर लिया आप तो काफी हद तक 32 साल के पेपर की आइडिया हो जाता है कि तो ऐसे सोच रहे थे, हमारे यहां तो किसी ने नहीं सोचा। ठीक है ना, एनी वे पॉइंट पाता हूं। अगला क्वेश्चन का है, अरे तो बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, जी डेस एक्स, अब ढूंढो नीचे जी एक्स क्या भाई, वाई इक्वल टू जी एक्स, जी एक्स है कुछ और तो दिया होगा, कुछ नहीं देखे ऐसे ही चला गया, जी ऑफ जीरो जीरो है और कुछ नहीं दिया, एक सीन इसका आंसर देख लिया, मुझे नहीं पता क्या है, मांगने वाले ने बहुत ही बकवास सीन मांग ली, जी डेस एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स, और कहानी में कहां से कहां तक की लिमिट रखूं क्या, जी ऑफ वन माइनस जी ऑफ माइनस वन, आप जी एक्स के बारे में कोई और चीज ढूंढ पा रहे क्या, जी जीरो जीरो है, वाई इक्वल टू एफ एक्स का कोई रिलेशन इससे आपने बताया नहीं मुझे, कोई लेना देना नहीं है क्या, क्या दे रखा है क्या, क्या दे रखा है मेरे को वही समझ नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहे, मैं बता नहीं पा रहा, द इक्वेशन इम्प्लिसिटली डिफाइन अ यूनिक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफरेंशियबल फंक्शन वाई इक्वल टू जी एक्स सेटिस्फाइंग दिस, आप मेरे को कोई बता देना मेरे क्या हो जाएगा, क्या इक्वल टू जीरो, नहीं नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं तो बताऊं जी एक्स कौन है, जियो ये जरूर सोचना आप, आंसर बस एक कदम दूर बैठा है, एक कदम, वैसे क्वेश्चन ने जवाब देते देते बचा लिया, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो मिल जाएगा, वाई बराबर दे रखा है एक ही पार माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर वन में। अगर कितने लोगों को हल्का फुल्का ये चीज ध्यान है कि एक ही पार माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, याद आया, और मैंने एक बात एक प्रॉपर्टी बताई थी डेफिनेट इंटीग्रेशन के दौरान, मैंने कहा था कि जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता उनके लिए हमारे पास में प्रॉपर्टी नाइन है, नहीं प्रॉपर्टी नाइन है हमारे पास, किसी को याद आया, प्रॉपर्टी नाइन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी, याद आया नहीं याद आया, और उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना बड़ा जबरदस्त काम है, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक्स स्क्वायर ये कहानी कहां से काम है, तो एक्स स्क्वायर बड़ा कि एक्स बड़ा, अच्छा और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स में कौन बड़ा, ये अच्छा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन e की पावर माइनस एक्स, कह दू चलेगा, अच्छा इसका मतलब जिस दिन मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा उस दिन इसका इंटीग्रेशन कर लू, अच्छा तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा जीरो से वन के बीच में उससे वो इसके इंटीग्रेशन जीरो से वन के बीच में बड़ा होगा, नहीं है तो अगर देखा था तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अभी में कितना, अच्छा चलो भले कितना बता रहा माइनस e की पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन के बाद जीरो से वन लगाऊ तो कितना हो गया, माइनस रखने पर कितना e की पावर माइनस वन माइनस वन बाई ई और माइनस वन, तो आंसर हो गया है ना, एरिया इज ग्रेटर देन वन माइनस वन बाई ई, सही है, अच्छा आपको ये नहीं पता कि जो वन माइनस वन बाई ई से बड़ा है वो वन बाई ई से भी बड़ा होता है, इसको एक बार के लिए वन बाई थ्री सोच के देखना, जो टू बाई थ्री से बड़ा है वो वन बाई थ्री से भी बड़ा होगा, इसलिए दो आंसर खुल गए कि एस इज ग्रेटर देन वन बाई ई, एस इज ग्रेटर देन वन माइनस वन बाई ई, सही है, आ जाओ डी के लिए थोड़ा अगर आप सोच जाओ तो मेरे को एक मिनट लगेगा, डी के लिए मैं बता देता हूं बहुत शानदार चीज है, इसको समझ पा दो, वाई इक्वल टू में ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको पहले बोला था कि आप में से किसी को अगर किसी के स्क्वायर का ग्राफ ना आए तो नहीं, मैंने बोला है आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ पे अगर कुछ नहीं स्ट्राइक करे तो क्या करना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स, ई की पावर माइनस मॉड एक्स के बारे में सोचें, ई की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चलेगा ये मूज ग्राफ बन गया, सही है, और यही ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ होता है, और अगर ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है तो आपको e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, मैंने आपको इसका एरिया निकालना है, अब देखो साहब इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, सही है, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और मैं अगर इस पे स्लैब काटना चालू करता हूं स्ट्रिप्स, राइट है, तो हमारी स्ट्रिप्स कैसी होती थी,
रेक्टेंगुलर, सही है। अगर मैं प्रॉपर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटता हूं तो देखो साहब स्ट्रिप ऐसा ही, इसका मतलब कुछ हिस्सा बाहर आ गया। अगर मैं अगली स्ट्रिप काटता हूं तो अगली स्ट्रिप यहां से आएगी, देखा, इसका मतलब कुछ हिस्सा फिर बाहर आ गया। अगली बार फिर से कुछ हिस्सा बाहर आ गया, फिर से कुछ हिस्सा बाहर आ गया, फिर से कुछ हिस्सा बाहर आ गया, फिर से कुछ हिस्सा बाहर आ गया। इसका मतलब मैं अब जिस दिन स्ट्रिप से एरिया काउंट करूंगा, मेरा ओवरऑल एरिया और इस कर्वेचर के नीचे के एरिया में किसका एरिया ज्यादा होगा, जो स्ट्रिप से आया उसका एरिया कर्वेचर के एरिया से ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और यही बात उसने अगले क्वेश्चन के दौरान पूछी है, सही है। अब वो अगले क्वेश्चन के अंदर देखो जरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया। एक और ऑप्शन है अपने पास में, एक मिनट मेरे को क्वेश्चन मिल जाए। हाँ भाई ये अगला कह रहे हैं, एक और ऑप्शन है अगर मैं गलत नहीं हूं, डीवी इसने खोला, देखो ऐसे लेस देन इतना, सही भाई। अच्छा आप कैसे करें, इसका रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालें बताओ, इसका रेक्टेंगल का टोटल एरिया कैसे निकालें। हाँ भाई किसी को याद है, एक हमारे पास एक बहुत पहले का एक फार्मूला पड़ा हुआ है जब हमने स्ट्रिप्स को लेकर के एक एरिया बनाया था, तो याद है आपको बी माइनस ए अपॉन एच वाला, एच इज इक्वल टू में, नहीं नहीं नहीं, जब हम लोगों ने लिमिट एज सम करा था तो बेसिक के अंदर एक फार्मूला बना के छोड़ा हुआ था, ठीक है। हाँ वो भी बता देता हूं, आप में से किसी को अगर याद नहीं आ रहा तो इसकी जरा थ्योरी में आ जाइए, क्योंकि थ्योरी तो पड़ी होगी ना आपके पास, देखो शायद इसमें थ्योरी के अंदर मिल जाए आपको। नहीं है इसमें स्क्रिप्टिकल एरिया दिया ही नहीं है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और सोचा जा सकता है, शायद अगर आपको वो ही नहीं याद आ रहा तो मैं आपको ये भी याद दिला सकता हूं कि एरिया जो एस होगा इधर की साइड का एरिया, पहले इधर वाले को समझा देता हूं, ये वाला एरिया विल बी लेस देन इक्वल टू, एक चीज पुरानी याद दिलाता हूं आपको अगर याद होता है, एम टाइम्स बी माइनस ए, अभी भी याद नहीं है, मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके जा रहा हूं, याद है एम क्या चीज थी, मैक्सिमम वैल्यू, सही है ना भाई। क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है, जीरो पर या वन पर, अगर मैं जीरो से वन पर जा रहा हूं तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, जीरो पर आएगी, सही है ना भाई। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी वन, और इंटू में बी माइनस ए मैंने वन माइनस जीरो, सही ना भाई। अच्छा ये हमेशा वन से तो छोटा होगा, अपना दूसरा साइड का आंसर कैसे लेकर के है वो मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा, वो तब तक नहीं आएगा जब तक अपने पास में वो वैल्यू नहीं आएगी। अपने कुछ लिखा है क्या लिमिट एज सम का, नहीं नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक लिमिट एज सम का अपने पास फार्मूला पड़ा है, किसी के पास पड़ा हो तो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट एज सम का, देखो आपके पास मिल जाए तो बहुत बढ़िया,